अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हूँ रूमर व्लॉग का चैनल। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो। और जुम्मे के दिन एक वजीफ़ा ऐसा है जो अल्लाह ताला कहता है कि इस वजीफे के साथ आप मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हो। और पहला वजीफ़ा तो ये है कि आप जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह कैफ तो जुमे वाले दिन लाजमी पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़ के बाद। तो एक और ऐसा विर्द है जो करने से अल्लाह ताला दिल में सकून और घर में सकून और बरकत और रहमत नाजिल फरमाता है। और वो है ये कि आपने दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपने 70 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 70 दफ़ा। और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दुआए खैर करनी है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड और अपने भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने वालदैन के लिए और सबके लिए सदका जारिया बनाना है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग आगे भी शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वजीफ़ा कैसा लगा है। और आप शेयर भी करें जितना ये देखिए वजीफ़ा और हदीस वगैरह जो होती है, जितनी शेयर करें तो अल्लाह ताला उतनी ही रहमत नाजिल फरमाता है, आपके लिए सदका जारिया बना देता है। और ये भी एक सदका जारिया है कि आप सदका नहीं भी देते हैं तो किसी को हदीस सुनाते हैं या किसी को अमल सुनाते हैं, किसी को कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी बताते हैं, तो वो भी आपके लिए सदका जारिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा व्लॉग देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नमाज़ पढ़ें। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी हर बुरी आफत से और नजात से महफूज रखे और दुआ में याद रखिएगा। और मेरे बच्चों को भी हूर, हेलो हेलो। तो ये है हूर। और अब हम पढ़ने लगे हैं नमाज, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।